हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कल मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट पर जो सेल चल रही है दिवाली सेल, उसके अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। आज नंबर है अमेज़न का। जी हाँ, हम अमेज़न की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और हम खोल लेते हैं इसकी कौन सी सेल आने वाली है। इनकी है एक्स्ट्रा हैप्पीनेस डेज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो चलिए इसको कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि आखिर कौन कौन से स्मार्टफोन्स पर ऑफर हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए और जिनसे आपको बेनिफिट हो सकता है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इनकी जो ऊपर ही हम देखते हैं अमेज़ॉन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। हमें बात करनी है मोबाइल्स की, तो चलते हैं शॉप बाई कैटेगरी में, सेलेक्ट करते हैं मोबाइल्स और डन कर देते हैं। एक काम करते हैं, प्राइस लो टू हाई कर लेते हैं, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा। हमें जो सस्ते फ़ोन हैं वो पहले आएंगे कम प्राइस के, और जो बाद वाले आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। तो इस टाइप से, तो स्टार्टिंग में ही फीचर फ़ोन निकल करके आ गए हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मार्केट में आजकल 500-600 रुपये में चाइनीज़ फ़ोन्स बहुत अवेलेबल हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन रेडमी 9 ये आया है 6799 का। वैसे भी ये इतने ही प्राइस का मिलता है, बट ये सेल जो है वो 352 में एंड होने वाली है। वैसे ये 7000 तक का मिल जाता है, बट आपको ये Redmi 9 ने काफ़ी अच्छे प्राइस पर 6799 पर मिल रहा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आप एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन देख रहे हैं। तो ये एंड्रॉयड गो पर नहीं है, ये फुल फ्लैश्ड एंड्रॉयड आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा आइटेल का फ़ोन है और एक ये टेक्नो स्पार्क गो है, ये गो वाला वेरियंट आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है हमें टेक्नो स्पार्क 7, इसमें 6000 mAh की बैटरी है और फिंगरप्रिंट सेंसर है केवल 7699 रुपये में। 6000 mAh बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपकी ये प्रायोरिटीज़ हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, भले ही आप प्रोसेसर वगैरह को इग्नोर कर सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर अगले फ़ोन्स की, तो 7T वगैरह है। इसके अलावा है रेडमी 9, जो कि मैं इग्नोर करने को ही कहूँगा। A11K को भी मैं कहूँगा कि आप इग्नोर ही करें तो बेटर है, क्योंकि इस प्राइस में तो आपको काफ़ी अच्छे फ़ोन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आता है हमारा, और तो वीवो Y21 एंड Y1S है, जिसमें आपको 1500 ऑफ मिल रहा है। इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। तो ये 13990 का मिलेगा आपको, 464 GB और HD प्लस डिस्प्ले है, तो आप इसको इग्नोर करें तो ही बेटर है। M12 एक अच्छी डील है, M12 की तरफ आप जा सकते हैं जो 9499 का है, तो ये एक अच्छी डील है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने फोन्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्पेशली उनके, बाकी और किसी का मैं लिंक प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ोन अच्छे हैं, इनके लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रेडमी 9 प्राइम काफ़ी पुराना फ़ोन हो गया है, फ़ोन अच्छा है लेकिन बहुत पुराना हो गया है, ओल्ड हो गया काफ़ी, तो इसको हम इसको इग्नोर ही करने के लिए कहेंगे। Y12S नॉट इंटरेस्टेड। रेडमी 9 पावर 11000 में, अभी इससे अच्छे फ़ोन आ चुके हैं 11000 में, तो आप इसको बाय ना ही करें तो बेटर है। सैमसंग A03S 11000 में, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ओप्पो A31 11500 का है भाई, इसको तो दूर ही रहो इससे। टेक्नो स्पार्क 7 Pro है, इसके बारे में डिटेल्स दी नहीं है, वैसे भी आपको अगर लेना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। स्पार्क 7 Pro में 464 GB की वेरिएंट की 11499 प्राइस है। अगर हम बात करते हैं इसके जो प्रोसेसर्स वगैरह हैं और क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड 11, और प्रोसेसर के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया क्या। 48 MP का कैमरा है, 180Hz की डिस्प्ले है। साथ में हमें देखने के लिए मिलता है G80, दैट्स अ गुड थिंग। G80 यहाँ पर मिल रहा है, बिग डिस्प्ले मिल रही है, तो भाई आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ये एक अच्छा फ़ोन है। टेक्नो स्पार्क प्रो पूरा फ़ोन नहीं है, बस एक HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है आपको 11500 में, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप इसको इग्नोर करें तो बेटर है। और भी फोन से मार्केट में की तरफ आप जा सकते हैं। M21 2021 एडिशन है, इसको भी हम लेने में इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे। और Redmi 10 Prime ये एक ग्रेट डील है, आप चाहो तो ले सकते हो। G88 है इसके अंदर, 11999 का है, 464 है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 50 MP का कैमरा है। 12000 आपको पे करने पड़ेंगे। ये फ़ोन है जो हम रिकमेंड कर सकते हैं आपको। M21 को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, नार्जो की तरफ से 50A है, नॉट रिकमेंडेबल। ओप्पो A15SE भी ऐसा ही है, नोकिया 5.4 नेवर। सैमसंग गैलेक्सी M32 ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए 12999 का, अगर आपको स्पेशली सैमसंग का फ़ोन चाहिए तब ये ठीक है, वरना तो फिर और भी फ़ोन्स हैं लाइक रेडमी 10 प्राइम था ऊपर, उसको आप बाय कर सकते थे। नोकिया G20 इतना भी खास नहीं है। ओप्पो A16 मतलब कि बेकार है ये भी, क्योंकि आपको 1350 रुपये का मिल रहा है, इतने में तो आपको बहुत कुछ मिलता है।
रेडमी नोट 10S है जो 13999 का है। फिलहाल ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद में ये अभी 12999 का पड़ रहा था, तो आप इसकी तरफ एक बार देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी एंगल से 12999 का पड़ जाता है तो काफ़ी अच्छी डील होगी इस समय। नोट 10 लाइट ज़रूरत नहीं है। टेक्नो कैमोन 17 बहुत महंगा है टेक्नो के हिसाब से। रेडमी नोट 10 भी इस समय ओवर प्राइज ही कहूँगा मैं इसे। नोट 10T 5G 15,000 का मिल रहा है, ये अच्छा है। डायमेंसिटी 700 इसके अंदर मिलेगा, डुबल 5G मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, डिस्प्ले वगैरह भी ठीक ठाक है। A55 है, A74 5G है। A74 5G के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ये 5G वाला है। इसके अंदर अल्ट्रा वाइड वगैरह सब कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है और कैमराज भी इतने खास नहीं है, तो आप इसको ना ही लें तो बेटर है। M32 5G एक अच्छा फ़ोन है, अगर आप सैमसंग की तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए एक 5G फ़ोन तलाश रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 16999 का है, मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। हालांकि लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके स्पेक्स वगैरह के, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आई थी इसके अंदर। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तभी मैंने इसको बताया था कि ये फ़ोन इतना खास नहीं है। डायमेंसिटी 720 आपको मिलती है, नॉक सिक्योरिटी भी इसके अंदर मिलेगी, 12 बैंड्स हैं। और इसके अलावा आपको जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर सुपर एमोलेड नहीं मिलती है, जो कि मुझे पता है जिस बारे में। फिलहाल देख लेते हैं एक बार कंफर्म करके कि क्या इसके अंदर है। जी हाँ, ये TFT डिस्प्ले है और HD+ है। बस एक ये चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई थी, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक हमें देखने के लिए मिल ही जाता है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, अगर आपको HD+ डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन गो विद इट। iQOO Z3 5G 16,490 में बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बेहिचक होकर आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। M31 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल इस समय, आप M32 5G की तरफ चले जाइएगा, M31 से बेटर है। नोट 10 प्रो मैक्स है, ये 18999 का है, ये इतने का ही मिलता है। वैसे भी इसमें कोई ऑफर्स वगैरह लगा हुआ दिख नहीं रहा है मुझे, हालांकि 1000 ऑफ है। वैसे ये 20,000 का मिल जाता है। और यहाँ पर हमें OPPO F19 है, Vivo Y53 है, Samsung Galaxy M51 है। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है बट काफ़ी पुराना हो गया है। इसके अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है और ये 20,000 का है, तो बुरा फ़ोन नहीं है लेकिन हाँ पुराना काफ़ी हो चुका है। आपको इतने अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेंगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। बट प्राइस के हिसाब से फ़ोन ठीक ठाक है। Y73, Y72, OPPO F19 Pro, MI 10 i 5G, ये भी काफ़ी महंगा लगता है अब तो, जब से नोट 10 प्रो मैक्स आया है। लेकिन वो 5G नहीं है, ये 4G, वो 4G है और ये 5G है। तो ये भी एक अच्छी डील है, 22,000 के आसपास आपको Snapdragon 750G देखने के लिए मिल जाएगा और 108 MP का कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती आपको, IPS HD मिलती है 120 Hz की। ये चीज़ एक नोटिस करने वाली है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। iQOO Z5 5G है, ये कितने का मिल रहा है इस समय, ये है 23999 का, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसमें भी आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी बट ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पावर पैक फ़ोन है और हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस समय जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिलती है ना Snapdragon 778G की, वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा परफॉर्मेंस के मामले में, तो यू शुड गो iQOO Z5 5G की तरफ। OnePlus Nord CE 5G है, इतना इंटरेस्टिंग शुरू से ही नहीं रहा है। M52 5G काफ़ी ठीक ठाक फ़ोन है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको सैमसंग की तरफ से 26,000 रुपये के आसपास फ़ोन चाहिए तो ये काफ़ी अच्छी एक डील है जो आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर जो प्रोसेसर वगैरह है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक ठाक तो होगा ही। Snapdragon 778G है, तो जाहिर सी बात है पावर पैक्ड फ़ोन है, नो प्रॉब्लम। फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है इसके अंदर, 32 MP का सेल्फी कैमरा भी है, 64 MP का रियर कैमरा भी है। तो भाई M52 5G एक बहुत ज़्यादा अंडर 30,000, आप गेमिंग वगैरह कैमरा वगैरह सब कुछ चाहते हैं तो एक ऑलराउंडर फ़ोन है फ्रॉम सैमसंग। सैमसंग की तरफ से आप इसको बाय कर सकते हैं। शाओमी का 11 Lite NE 5G 26999 का है, इसके अंदर भी यही सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो आप, मैं कहूँगा कि आप M52 5G ले लो या फिर ये ले लो, बात बराबर ही है। थोड़ा लाइट वेट वगैरह आपको मिल जाता है और थोड़ा स्लिम हमें देखने के लिए मिलता है शाओमी का 11 Lite NE 5G। Mi 11X है, इसे सब कुछ सेम ही प्राइस में देखने के लिए मिल रहे हैं। और iQOO की तरफ से यहाँ पर iQOO 7 5G है जो यहाँ पर मिलता है हमें 29999 का, तो सेम थिंग्स हैं, ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी ऑफर्स नहीं है जो कि मुझे अच्छे लगे हों। बाकी आप बताना आपको क्या क्या रिकमेंड करना था मुझे। फिलहाल जो मैंने रिकमेंड किया है उसमें बेस्ट चीज़ जो है, अगर आप अंडर 10,000 कोई फ़ोन ट्राई कर रहे हैं तो सैमसंग की तरफ से Samsung Galaxy M12 है। वैसे रेडमी की तरफ से जो फ़ोन था, रेडमी की तरफ से 10 प्राइम मैंने आपको बताया था,
12,000 के आसपास। तो ये दो फ़ोन्स थे जिनको मैंने इसमें कंसिडर किया है। 12 से ऊपर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है Redmi Note 10S, और 15,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है Samsung Galaxy M32 5G। तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। और एक Samsung Galaxy की तरफ से M52 5G भी है, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप 26 की तरफ देखते हैं IQ Z3 5G है 17,000 के आसपास, और एक IQ Z5 5G है जो कि हमें 23 के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे फ़ोन्स थे जो मैंने रिकमेंड किए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, जाइएगा और वहाँ से बाय कर लीजिएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।